ये बॉलीवुड हस्ती वैसे तो आपको कई फिल्मों में नजर आई होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इन जनाब का करियर भारत की जगह बांग्लादेशी फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा चमका था। और तो और, इन्हें बांग्लादेशी फिल्म इंडस्ट्री का शाहरुख खान भी कहा जाता है। इसके अलावा बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के भी ये सीनियर है। अब आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश के शाहरुख खान और अक्षय कुमार के सीनियर, भाई ये शख्स है कौन? तो देखिए, ये कोई और नहीं बल्कि आपके और हमारे सबसे फेवरेट कॉमेडियंस में से एक, चंकी पांडे उर्फ सूर्य शरद पांडे हैं। आज जनाब अपना 62वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में हम आपको आज चंकी पांडे की जिंदगी के चंद किस्सों से रूबरू कराते हैं, जिन्हें जानकर आप भी कहेंगे मम्मा मिया। एक्टर थे दो रॉक बैंड का हिस्सा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक्टर बनने से पहले चंकी पांडे दो रॉक बैंड का हिस्सा रह चुके थे। दरअसल उन्होंने सबसे पहले क्रॉस विंड्स नाम का एक रॉक बैंड ज्वाइन किया था। इसके बाद वो दिल्ली के रॉक बैंड इलेक्ट्रिक प्लांट से जुड़े थे। इस बैंड के साथ जुड़कर चंकी पांडे ने डायर स्ट्रेट्स के गाने सुल्तान्स ऑफ स्विंग का कवर वर्जन गाया था। अक्षय कुमार के सीनियर थे चंकी पांडे। चंकी पांडे ने बताया था कि वो और अक्षय कुमार साल 1986 से एक दूसरे के दोस्त हैं। दोनों मधुमति एकेडमी ऑफ फिल्म डांसिंग में मिले थे। चंकी पांडे ने बताया कि जब वो मधुमति में पढ़ाई करते थे तो सीनियर छात्र अपने जूनियरों को ट्रेनिंग दिया करते थे। चंकी वहां अक्षय के सीनियर थे, इसलिए उन्होंने भी अपने जूनियर अक्षय कुमार को कई सारी चीजें सिखाई थी। बांग्लादेशी फिल्मों के शाहरुख हैं चंकी पांडे। बॉलीवुड में सफलता नहीं मिलती देख चंकी पांडे ने बांग्लादेशी फिल्मों में किस्मत आजमाने की ठानी थी। यहीं से चंकी पांडे की किस्मत पलटी और उन्हें बांग्लादेशी फिल्मों का शाहरुख कहा जाने लगा। बांग्लादेश में चंकी पांडे की चर्चित फिल्मों में मेरा मानुष, स्वामी केनो आसामी और बैश कोरेची प्रेम कोरेची जैसी कई फिल्में शामिल हैं। अपनी एक्टिंग से हर किसी को हंसाने वाले चंकी पांडे को इंडिया टीवी शोबिज की तरफ से अ वेरी हैप्पी बर्थडे।